महाराष्ट्र की राजनीति में अभी इस वक्त वो हो रहा है जो शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये अपने आप में अप्रत्याशित दिन है क्योंकि उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं कांग्रेस नेताओं से मिलने। उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेताओं से मिलने एक फाइव स्टार होटल में पहुंचे हैं। वहां पर उनकी बैठक चल रही है। शिवसेना के संजय राउत कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत चल रही है। मुंबई के होटल ट्राइडेंट में उद्धव और कांग्रेस की बैठक चल रही है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है क्योंकि अगर इसको इस बैकड्रॉप से देखें कि सब लोग दोष जब दे रहे थे कि गवर्नर साहब ने क्यों इतना कम समय दिया, गवर्नर साहब ने क्यों इतना समय ज्यादा दिया, ये दिया, तो एक खबर यह भी आ रही थी जो आज कई अखबारों की सुर्खियां हैं कि कांग्रेस आलाकमान इस बात पे संकोच कर रहा था कि कैसे शिवसेना से हाथ मिलाएं, क्योंकि शिवसेना का जो एक एक रवैया रहा है, जो अभी तक की सोच रही है, वो कांग्रेस के एकदम इतर है। लेकिन अपने एमएलए के टूट के दूसरे पाले में जाने का डर, अपने अस्तित्व की लड़ाई के चलते कांग्रेस ने अपने आइडियोलॉजी, अपने वैल्यू सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए शिवसेना के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। इस वक्त ये देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला टला। अब इससे क्या मतलब है? शिवसेना एक हाथ में ब्लैकमेलिंग करने की कहा जाए कोशिश कर रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, यानी गवर्नर के फैसले को चुनौती नहीं दे रहे। दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत कर रहे हैं शिवसेना के साथ। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही एक बार फिर संजय राउत ने कहा है सीएम शिवसेना का ही होगा। मेरी तबीयत बहुत ही ठीक है और मैं अब ठीक होकर वापस काम के लिए जा रहा हूँ। कल उद्धव साहब ने बोला कि महाराज के सबसे बड़े सैनिक है। कौन? मैं सैनिक हूँ, इसलिए तो पार्टी का मुख्यमंत्री होने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा, कोई नहीं रोक सकता। सर, अब बीजेपी का कहना है कि वो लोग भी कोशिश करेंगे सरकार बनाने की। लाख कोशिश करेंगे, उनको मौका दिया था राज्यपाल महोदय ने। अगर किसी को तोड़ फोड़ कर विधायक खरीद कर कोई बनाना चाहता है तो गलत है। सर, वहीं पे जो राज्यपाल है उन्होंने अपना मौका नहीं दिया शिवसेना। आप उस बारे में फैसला हो जाएगा। ये थे संजय राउत, उन्होंने आज तक से बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है शिवसेना की सरकार बनाने की, और अगर मुख्यमंत्री कोई होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का होगा। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। सौरभ बगदानी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं होटल ट्राइडेंट के बाहर से। शिवसेना मुलाकात करने पहुंचती है कांग्रेस से, यह अपने आप में शायद ही कभी किसी ने कल्पना भी की होगी। उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, जमाना बहुत बदल गया है। सौरभ बगदानी हमारे साथ है। सौरभ, पहले तो मुझे यह बताएं अभी इस वक्त इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? निशान, जिस तरीके से आपने बताया कि जमाना काफी बदल गया है, पहली बार शिवसेना के कोई नेता खुलकर कांग्रेस के लीडर्स को मिल रहे हैं, ये अपने ही आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हम बीकेसी होटल के बाहर मौजूद है, ये एक ट्राइडेंट होटल है। यहाँ पर शिवसेना की तरफ से मिलिंद नार्वेकर मौजूद है, साथ ही उद्धव ठाकरे मौजूद है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि अशोक चौहान, माणिकराव ठाकरे और बालासाहेब थोरात ये यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस ने कहा था पहले वो एनसीपी के लीडर से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ही वो शिवसेना के लीडर्स को मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि कल रात में भी, देर रात में 12-1 बजे के करीब यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी शिवसेना और कांग्रेस के बीच, लेकिन आज खुलकर अभी 15 मिनट पहले ही यहां पर सभी के सभी लीडर्स मौजूद हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी। देखिए देखिए, मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं। यहां पर ये वो शिवसेना नहीं है जिस शिवसेना के हम बहुत पहले बात किया करते थे। मैं बार बार इस चीज को एम्फसाइज कर रहा हूं कि उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं मिलने, ना कि वो नेता मातोश्री आए हैं, यानी वक्त बहुत बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले की जब बात होती थी तो कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी बड़ा नेता हो, अमित शाह भी हो, वो पहले मातोश्री आते थे, उद्धव ठाकरे उनको वहां पर ही मिलते थे, कहीं बाहर मुलाकात नहीं होती। आज मातोश्री के करीब 10 मिनट दूरी पर बीकेसी में ये होटल है निशांत, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलने उद्धव ठाकरे गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। विचारधारा किस तरीके से एक होती है, क्योंकि दोनों पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, एक साथ कैसे आते हैं, आपस में सहमति कैसे होती है, ये सबसे बड़ी बात होगी।
किस तरीके से अपने कैडर्स को वो ये समझाएंगे वो सबसे बड़ी बात होगी। और जिस तरीके से आपने ये जो पॉइंट आउट किया है सच में अपने आप में यही हम बात करेंगे कि सौरभ कैसे स्टैंड बाय पर रहिए, आप इस वक्त जिस जगह पर हैं वो सबका फोकस वहां पर है। बताना नहीं चाहता हूं दिव्येश कहां पर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर दिव्येश है, हमारे दर्शक हमें ऊपर यकीन कर सकते हैं। दिव्येश क्या अपडेट है आपके पास? आकरे की ट्राइडेंट होटल बांद्रा में वहां पर जो विचार विमर्श होने वाला है ये सुनने में कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसके बारे में कांग्रेस के नेता कल भी बता रहे थे कि उस बारे में बातचीत हुई है, उस बारे में बातचीत करना अभी बाकी है, उस बारे में अभी बातचीत शुरू करना बाकी है, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं जिसकी वजह से ये देर लग रही है। जिसके नेता हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि वो जिस बेस पर राजनीति करते आ रहे थे इतने सालों से वो बेस ही हिल जाएगा अगर ये अलायंस हुआ। उनका इस पर क्या कहना है? जी आपको एक प्रतिक्रिया मैं बताना चाह रहा हूं। परसों के दिन जब हम कुछ यहां पर 56 शिवसेना के एमएलए के अलावा 8 एमएलए हैं जो कि अपक्ष लड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं और उन्होंने शिवसेना को सपोर्ट किया है, परसों के दिन हम उनके साथ यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही नर्वस लग रहे थे वो सारे एमएलए और आपस में जो वो लोग बातचीत कर रहे थे वो, उसमें एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे, मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ, पर उन्होंने दूसरे अपक्ष एमएलए से ये कहा कि अब हमारा क्या होगा। इस तरीके की प्रतिक्रिया आना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है। शिवसेना के जो एमएलए थे वो पहले दिन से यही कह रहे थे कि अब उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनानी है, जो भी आप मुद्दा हमारे साथ बने रही है। ये बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया यहां पर। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं से मिलने पहुंचे हैं, वो मातोश्री नहीं पहुंचे हैं, बहुत फर्क आ गया। कांग्रेस के विधायक जयपुर में चुनावी छुट्टी मनाकर वापस मुंबई लौट रहे हैं, शरद कुमार भी उसी बस में पहुंचे। देखिए विधायकों की राय। ये बस यहां से निकल चुकी है, जो रिजॉर्ट था वहां से बस विधायकों को लेकर निकल चुके हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? वर्षा गायकवाड़। कहाँ की विधायक है आप? मुंबई धारावी। तो 5-6 दिनों में क्या रहा यहाँ पर? नहीं, हम यहाँ पे आए थे, पक्ष ने कहा था तो हम यहाँ पे सभी लोग थे और जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष नेता ने निर्णय ले लिया और जिस तरह से मुंबई में चर्चा चल रही है, और मुंबई में आज अहमद पटेल जी है, खरगे साहब है, सीनियर मोस्ट लीडर हमारे, तो आप सरकार बनाना चाहते हैं शिवसेना के साथ? देखिए ऐसा है कि हमारा पक्ष में सोनिया जी गांधी हमारे पक्ष की अध्यक्ष है, वो जो निर्णय लेंगे उसको हम फॉलो करेंगे क्योंकि हम कांग्रेस। आप लोगों ने सोनिया गांधी को क्या बताया? देखिए मैडम बताने की जरूरत है कि मैडम जानती है कि और कुछ विधायक उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है, कहां से विधायक? मेरा नाम कैलाश गोरेंटल है, महाराष्ट्र में जालना जिले से चुन के आया। आप लोग क्या चाहते हैं, महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहते हैं? जी हाँ, सरकार बनाने चाहते हैं हम लोग शिवसेना के साथ। या जी हाँ, विचारधारा आ रही नहीं आएगी? विचारधारा क्या, मैं आपको बताता हूँ कि हर चीज बह रही है मरकज पर, एक जर्रा उधर भी एक जर्रा इधर भी, नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो भी मोहब्बत कर बैठे, शायद वो भी मोहब्बत कर बैठे। शिवसेना के बारे में हृदय परिवर्तन कांग्रेस के विधायकों का देखा जा सकता है। आप कहां से विधायक हैं? मैं एमएलसी हूं नांदेड़ से। क्या नाम है आपका? अमर राजूरकर। आप लोग चाहते हैं वहां सरकार बने? जी हम चाहते हैं। शिवसेना मंजूर है? बीजेपी को दूर रखने के लिए किसके भी साथ जाएंगे हम, बीजेपी को दूर रखने के लिए किसके भी साथ जाएंगे हम। तो ये एक माहौल है, आप देख सकते हैं ये बस है, बस यहाँ से निकल चुकी है, बहुत सारे विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं इस तरह से, कुछ लग्जरी गाड़ियों से भी निकले हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से विधायक हैं? अमित रिसोड़ वाशिम। तो आप लोग ये बताओ कि अब देरी क्या हुई, आप लोग चाह रहे हो सरकार बनाना, आला कमान को बता भी दिए, तो क्या आप लोग कहा गया, क्यों देरी हुई? देखिए ये जो तीन गट साथ में आ रहे हैं तो सब चीज़ें एक साथ बैठ के तय होना जरूरी था, भले ही समय लगा होगा लेकिन अच्छा काम करने में समय लगना जरूरी है। आपके साथ ही कह रहे हैं कि शिवसेना को हम लोग बदल देंगे? हो सकता है, आप भी आप विश्वास रखते हैं? जी जी जी। ऐसा लगता है कि अगर सरकार बनाना जरूरी है कांग्रेस को? सरकार कांग्रेस को बनाना जरूरी है लेकिन महाराष्ट्र की जनता के लिए सरकार बनाना जरूरी है। आपका नाम क्या है? संग्राम। संग्राम जी ये बताइए कि आप लोगों की बात इतना कांग्रेस सुन क्यों नहीं रही? आप लोग सब कह रहे हो एक साथ कि शिवसेना के साथ सरकार बनानी चाहिए, तो फिर देरी क्यों हो रही है? नहीं, वो तीन अलग अलग पार्टियां हैं, तीन अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधारा है और अलग अलग विचारधारा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में उसका इफेक्ट जाने वाला था,
इसलिए आला कमांड ने मतलब जो भी है हमारे ऊपर के बड़े जो नेता है उन्होंने मीटिंग ली और मीटिंग में उन्होंने तय किया कि हमको आगे शिवसेना के साथ जाने का है। तो फिर उसको तो देर तो लगी है लेकिन अभी भी राष्ट्रवादी राजवट अगर जो भी चालू हो गई रहेगी तभी भी आगे जाके हमारी सरकार बनेगी हमारा पक्का इरादा होगा। आप लोग ये बताइए कि एक बड़ी दिलचस्प कहानी हो गई है कि जिस शिवसेना के साथ आप इतने दिन से लड़ते आ रहे हैं विचारधारा को लेकर सब एक साथ करें सरकार बनानी चाहिए। नहीं, हमारे महाअघाड़ी के जो मेंबर्स है वो ज्यादा है और उसको ये बनाने की सरकार बनाने की वो जरूरत है, इसके लिए शिवसेना को साथ में लेने का हमारे हाई कमांड विचार कर रहे हैं। उनके हिसाब से हम आप लोग बोलेंगे गवर्नमेंट, हमने तो बोल दिया है कि हमने तो अधिकार हमारे हाई कमांड को दे दिया है। तो इन्होंने कह दिया है कि हम तैयार हैं इस तरह से सरकार बनाने के लिए, इनसे बातचीत करते हैं। और सारे विधायक है, आपका नाम क्या है? श्री कुमार नाइक। श्री जी, क्या रहा पांच दिनों में, आप लोगों ने क्या बताया अपने आला कमांड को? हमारे हाई कमांड को बोला कि आप जो डिसीजन लेंगे वो हमारे लिए फाइनल रहेगा और जो भी हाई कमांड हमको आदेश देंगे उसको मानने के लिए हम तैयार है। आप लोग शिवसेना के साथ जाना चाहते हैं? हाई कमांड जो भी बोलेगा वो निर्णय। बहुत सारे विधायक, आपका क्या नाम है? सुरेश ओरपुड़कर। बहुत सारे विधायकों का कहना है कि शिवसेना के साथ जाना चाहिए, उनको बदला जा सकता है अपने साथ लेकर। कैसा है कि बीजेपी को अगर अलग रखना है तो मिनिमम प्रोग्राम को रख के एक तीनों दल मिलके सरकार बनाना चाहिए। एक दूसरी बात ऐसे कि एक हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति चलती है, शिवसेना भी करती है, हम भी करते हैं, तो शिवाजी महाराज का जो कहीं ये चल रहा है उस हिसाब से कुछ अलग नहीं लगता है। तो अब शिवसेना और कांग्रेस के बीच के दोस्ती का सिरा तलाशे जाने लगा है। जी, तो आप लोग जनता से क्या कहोगे? माना जाता है कि हार्डकोर हिंदुत्व पार्टी रही है शिवसेना। नहीं, हमें तो भाजपा को अलग रखना है और उनको अलग रखने के लिए कुछ मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बन सकती है और सभी ये मानते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की। और ऐसे कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनती है। ये सुन सकते हैं, नारे लग रहे हैं बस में शिवाजी महाराज की जय, यानी कि शिवसेना के साथ कांग्रेस के जाने के जो मंशा है आप यहाँ पर कांग्रेस के विधायिका का वो सुना जा सकता है। आपका नाम क्या है? राजू अवरे। तो शिवसेना के साथ जाने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया आप लोग? मना में हम हाई कमांड जो बोलेंगे वो डिसीजन हम मानेंगे। आपने क्या बताया हाई कमांड? तो सत्ते में जाना चाहिए, अच्छा है, जाना चाहिए, काम होने के लिए जाना चाहिए। लेकिन वहाँ डर लग रहा है, इनको कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के आगे भी तो कांग्रेस है, बंगाल में हम क्या। काफी कुछ बदल गया है, तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताती हैं किस तरीके से। ये देखें आप, अरे बाप रे बाप, महाराष्ट्र में कमेटी से बनेगी सरकार। कांग्रेस अशोक चौहान, बाला साहब थोरट, पृथ्वीराज चौहान, विजय माणिकराव ठाकरे, इसमें कितने तो मुख्यमंत्री सामने नजर आ रहे हैं। ये देखें आप, एनसीपी, अजीत पवार, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक। अब आप ये समझे इसमें कितने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कितने मंत्री नजर आ रहे हैं। और ये सबका ईगो क्लैश नहीं होगा? बड़ी ही पावर पैक कमेटी अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कमेटी से बनेगी सरकार, लेकिन इस वक्त उद्धव ठाकरे बैठक कर रहे हैं। और एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, संजय राउत का एक बयान हमने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, लेकिन संजय राउत अस्पताल से छुट्टी होने से पहले कांग्रेसी नेताओं से मिले और उसके बाद वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनेगा। तो आप समझ सकते हैं इसके क्या मायने हैं। कांग्रेसी चले मुंबई, बड़े दिन से जयपुर में अपने मुख्यमंत्री जो वहां पर इनके हैं उनके साथ उनकी देखरेख में आराम फरमा रहे थे। बीजेपी विधायकों की बैठक, हालांकि संख्या बल ज्यादा नहीं है कांग्रेसी नेताओं का, इसलिए एक बस में समा गए। कांग्रेस एनसीपी की बातचीत के लिए 10 लोगों की कमेटी होगी जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के सब विधायकों की हुई है, उसके बारे में पवार साहब जी ने हमें बताया, हमारे हाईकमांड ने बताया कि हमारी एक कमेटी उन्होंने तैयार की है, जयंत पाटिल, मैं, छगन भुजबल साहब, धनंजय मुंडे जी और एक कोई है, ऐसे पांच लोगों की। और उस पांच में कांग्रेस के उसमें पांच लीडर रहेंगे महाराष्ट्र के, उनके साथ हम बात करेंगे
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द जल्द बात करने का हमारा सबका इरादा है, और उसके बारे में डिसीजन जयंत पाटिल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट और बाला साहेब थोरात कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट ने दोनों ने मिल के लेना है। हम उनको रिक्वेस्ट करने वाले, आज रात को बैठना है तो आज रात को भी बैठने की हमारी तैयारी है, या कल परसों क्या कब सब मिलके तय करेंगे वैसा हो जाएगा। दादा कितने जल्द से जल्द हमारे और कांग्रेस के बीच तो बहुत जल्द डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिनके साथ बात करनी है, समझो शिवसेना के साथ, तो शिवसेना भी हमारे साथ क्या बात करनी है उसके बारे में डिसीजन लेगी, और हम कांग्रेस हम मिलके उनके साथ बात करेंगे। आज हमारे सभी विधायकों ने बताया जितने जल्द से जल्द हो सके उतने जल्द से जल्द करना चाहिए। मेरा भी खुद का कहना है कि नया साल शुरू होने से पहले अपने या महाराष्ट्र में गवर्नमेंट आना चाहिए। सीधे चलते सौरभ इस वक्त हमारे साथ है। सौरभ, एक बड़ी बात मैं आपसे यहां समझना चाह रहा हूं। जब संजय राउत अस्पताल से निकलते हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जिस जगह आप मौजूद हैं उद्धव ठाकरे एक बैठक वहां कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत से अस्पताल के अंदर कांग्रेसी नेताओं ने मुलाकात की उनके डिस्चार्ज होने से पहले, तो इससे उनकी बात को बल मिलता है कि नहीं मिलता है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा? बिल्कुल, ये हमेशा से शिवसेना की यही डिमांड रही है, क्योंकि कल भी जब जो मीटिंग उद्धव ठाकरे की मातोश्री पर अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ हो रही थी तो कुछ नेता हमारे साथ बाहर आए और हमारे साथ उन्होंने बात की, तभी भी उनका यही कहना था कि सीएम पोस्ट तो हमें चाहिए ही। एनसीपी के सोर्सेज भी हमें ये बता रहे हैं, कल की जो भी बैठक हुई थी उसमें भी यही डिसाइड किया हुआ है कि एनसीपी का जो नेता है वो 2.5 साल के लिए सीएम रहेगा, शिवसेना का 2.5 साल के लिए। तो शिवसेना जो अपनी सीएम पोस्ट की जो बात है उस पर काफी ज्यादा अड़ी हुई है। डेप्यूटी सीएम कांग्रेस को मिलेगा 5 साल के लिए, तो ये ऐसा तय हुआ है, लेकिन ये सब अभी बातें बहुत ही शुरुआती तौर पर है। सबसे बड़ी बात यही है कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी एक साथ आ रही है और एक साथ अब खुले तौर पर मिलकर एक सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, और यही खबर हब पे हम बने रहेंगे। अभी आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, उद्धव ठाकरे अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जेड प्लस सिक्योरिटी है, पूरी की पूरी गाड़ियों की काफिले के साथ उद्धव ठाकरे यहां पर कांग्रेसी नेताओं को मिलने आए हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर अब ये बात चलेगी। सबको इंतजार था कि उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं, क्योंकि कल सुबह से खबर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे शरद पवार और कांग्रेस दोनों से नाराज हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि शिवसेना ने औपचारिक तौर पर सोमवार को ही समर्थन मांगा है, इसलिए फैसला नहीं हो सका, लेकिन जब उद्धव ठाकरे सामने आए तो न केवल बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि कांग्रेस का बचाव भी किया। शाम के 7:46 हो रहे थे, कांग्रेस और एनसीपी की साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बाहर निकले बड़े ठाकरे बीजेपी पर बुरी तरह तिलमिलाए हुए थे। जानकारी लेना चाहता हूं कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी और भारतीय जनता पक्ष किन मुद्दों पर एक साथ आए थे मैं जानना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पक्ष कैसे एक साथ आए थे, इकट्ठा आए थे, मैं जानना चाहता हूँ। चंद्राबाबू जी है, रामविलास जी है, अन्य सारे राज्य में जो भिन्न विचारधारा के पक्ष और भारतीय जनता पक्ष का गठबंधन हुआ था, मैं वो भी जानकारी ले लूंगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर इतना तीखा हमला इससे पहले कभी नहीं बोला था। उन्होंने कहा कि गठबंधन के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता शिवसेना ने नहीं खुद बीजेपी ने बंद किया। बीजेपी का ऑप्शन मैंने खत्म केलेला आहे, ये बीजेपी ने किया है। मैंने तो पहले लोकसभा के पहले भी मैं आलेख जा रहा था, बीजेपी सामने से आई, मैंने भी उनके भावना का आदर किया, सम्मान किया, और तब पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 200-210-220 सीटें आएगी, और उस अंधेरे में मैं उनके साथ गया था। दो दिन से माहौल ऐसा बन रहा था कि कांग्रेस की देरी ने शिवसेना से सरकार बनाने का मौका छीन लिया, लेकिन जब उद्धव ठाकरे से इस बारे में पूछा गया तो वो कांग्रेस को साफ पचा ले गए और कहा कि ऐसा बोलना सरासर गलत है। तो कल पहली बार मैंने संपर्क किया है और मैंने कहा कि अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम साथ अगर आते हैं तो नई दिशा राज्य को और देश को मिल सकती है। बीजेपी सवेरे से ही अपनी बारी के इंतजार में थी, उसने धैर्य बांध रखा था, लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने उसे निशाने पर ले लिया तो उसका धैर्य जवाब दे गया,
लेकिन इस बार सामने आए शिवसेना के कोटे से ही मुख्यमंत्री रहे नारायण राणे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। क्यों आपको बोलूं मैं, सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। बीजेपी ने विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। एनसीपी वाले प्रफुल्ल पटेल बैठक के बाद से सांस ले ही रहे थे कि उन्हें नारायण राणे के बयान की खबर मिली, तो वो एक बार फिर से उठ खड़े हुए। Why the letters have not been given? Yesterday was the first time Mr. Thackeray spoke to Sharad Pawar ji and to Mrs. Gandhi. तीन पार्टी जब एक होनी है, जिनकी विचारधारा अलग अलग है, तो अगर एक होना तो कैसे आना है, तो उसके ऊपर कुछ तो भी तो चर्चा होगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबके हाथ से मौका निकल चुका है, लेकिन उम्मीद किसी ने नहीं छोड़ी। और यही वो सूत्र है जहां से महाराष्ट्र में किसी भी असंभव के संभव होने की संभावना से कोई इनकार नहीं कर रहा। आज तक ब्यूरो। आखिर गड़बड़ी कहां हुई? क्योंकि खबर यह थी कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी को कल रात 8 बजे तक का समय दिया था, लेकिन दोपहर होते होते ही सारा खेल बदल गया। एक महाराष्ट्र में अगले 5 साल के लिए मजबूत सरकार हम देंगे, एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस चुनकर आ रहा है। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। शिवसेना का और हमारा जो तय हुआ है उसके अनुसार ही हम आगे जाने वाले हैं। राज्य की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का। तेरे सामने कभी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं हुआ। मुख्यमंत्री के जिस कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ डाला, उसकी आस भी आसी रह गई तो शिवसेना के शिविर में सन्नाटा छा गया। उसके आगे का रास्ता राज्यपाल बंद कर चुके हैं और पीछे का रास्ता उसकी बदली हुई राजनीति। उसकी मजबूरी देखिए कि जिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर उसने आसमान में सुराख कर दिया था, उन्हीं की अनुकंपा के लिए हाथ जोड़े खड़ी है। बात ऐसी है, हमने अभी बात करने की प्रक्रिया शुरू की है। जब हमारा डिस्कशन करने की परिस्थिति आ जाएगी और हमारी आइडियोलॉजी मद्देनजर रखकर हम आगे जाने के लिए हम कदम उठाएंगे। तो बात कहां बिगड़ी, क्योंकि जब सोमवार सवेरे मोदी सरकार में शिवसेना के इकलौते मंत्री अरविंद सावंत ने इस्तीफा दिया तो संदेश ये गया था कि सारी बातें तय हो चुकी है। लेकिन इसके बाद शरद पवार और सोनिया गांधी ने पत्ते खोलने शुरू किए तो उद्धव का एहसास हुआ कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी के सामने वो तो अनाड़ी है। कल पहली बार हम लोगों को अप्रोच किया गया था और उसके बाद तुरंत कांग्रेस प्रेसिडेंट ने शरद जी से भी बात की और उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता होनी बहुत ही जरूरी है, वहां तक कैसे लेटर दिया जा सकता है। शिवसेना को लग रहा था कि बीजेपी से अलग होने की शर्त पूरी करने के बाद उसे एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन मिल जाएगा और दोनों पार्टियां उद्धव को सत्ता का सेनापति मान लेंगी। लेकिन शिवसेना के इतिहास पर कांग्रेस को अपना भविष्य डोलता हुआ नजर आया तो शर्तों का सिलसिला शुरू हो गया। जरा देखिए वो 5 बातें जिन पर बात बिगड़ गई। एक, कांग्रेस चाहती है कि शिवसेना अपना हिंदुवादी एजेंडा पूरी तरह छोड़कर सामने आए। दो, शरद पवार चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार में शामिल हो, सिर्फ बाहर से समर्थन नहीं दे। 3, सोनिया गांधी चाहती हैं कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहले से लिखित तौर पर तय हो। 4, शरद पवार चाहते हैं कि शिवसेना और एनसीपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी 2.5-2.5 साल के लिए बांटी जाए। और 5, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि पूरे 5 साल तक उसी का मुख्यमंत्री। लेकिन इन अटकलों अनुमानों के बीच एक बात जो लगातार बाहर आती रही वो ये कि उद्धव ठाकरे छला हुआ महसूस कर रहे हैं और वो शरद पवार से खुश नहीं है। हालांकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को समझाया है कि जो नुकसान होना था हो चुका है, अब आगे की सोची जाए। महाराष्ट्र में सरकार स्थापित करना ये कोई मजाक की बात नहीं है और खास कर भिन्न विचारधारा के पक्ष एक साथ आकर कुछ सरकार चलाना चाहते हैं तो कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी होती है, आवश्यक होता है। चुनावी नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में 18 दिन गुजर चुके हैं लेकिन कोई सरकार नहीं बन पाई है। अब उद्धव फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और बीजेपी उनकी इस स्थिति का आनंद ले रही है।
अहो त्या बैठकामध्ये निर्णय होत आहेत का? निर्णय होत नाही याचाच अर्थ शिवसेनेला उल्लू बनवायचं काम चाललेलं आहे, दुसरं काही नाही। कांग्रेस आगे तो बढ़ना चाहती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो उसके सामने खड़ा है वो ये कि क्या वो अगला चुनाव शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी, और अगर नहीं तो साथ सरकार चलाने के बाद वो चुनाव में किस मुंह से शिवसेना का विरोध करेगी। मजे की बात ये है कि इस सवाल का जवाब वो पवार से चाहती है। आज तक ब्यूरो।